प्यारे भैया बहनों, आज हम सीखेंगे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। हिंदी के किस व्यंजन के लिए इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट आता है एवं इंग्लिश के कौन से वॉवल्स के लिए कौन सी मात्रा लगती है या कौन से स्वर के लिए कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट आता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे क। क व्यंजन के लिए इंग्लिश का के अल्फाबेट लगाया जाता है। इसी प्रकार ख। ख व्यंजन के लिए के एच अल्फाबेट। ग। ग के लिए जी। घ। घ के लिए जी एच अल्फाबेट लगाया जाता है। न। नंग, उसके लिए एन जी अल्फाबेट लगाया जाता है। च। च के लिए सी एच अल्फाबेट लगाया जाता है। इसी प्रकार छ। छ के लिए सी एच एच। ज। ज के लिए जे। झ। झ के लिए जे एच। इसी प्रकार ञ। ञ के लिए एन अल्फाबेट लगाया जाता है। इसी प्रकार ट। ट के लिए टी। ठ। ठ के लिए टी एच। ड। ड के लिए डी। ढ। ढ के लिए डी एच। न। न के लिए एन अल्फाबेट लगाया जाता है। इसी प्रकार त के लिए टी। थ के लिए टी एच। द के लिए डी। ध के लिए डी एच। न के लिए एन अल्फाबेट लगाया जाता है। इसी प्रकार प के लिए पी। फ के लिए पी एच एवं एफ। ब के लिए बी। भ के लिए बी एच। म के लिए एम। इसी प्रकार य के लिए वाई। र के लिए आर। ल के लिए एल। व के लिए वी एवं डब्ल्यू। ड। ड के लिए आर अल्फाबेट लगाया जाता है। इसकी ध्वनि निकलती है ड, जिसके साइड इधर की साइड में बिंदी होती है। श। श के लिए एस एच। श। श के लिए एस एच। स। स के लिए एस। ह। ह के लिए एच। क्ष। क्ष के लिए के एस एच। इसी प्रकार त्र। त्र के लिए टी आर। इसी प्रकार ज्ञ। ज्ञ के लिए जी वाई अल्फाबेट लगाया जाता है। इसी प्रकार हिंदी में जो स्वर होते हैं अर्थात मात्राएं होती है, किस मात्रा के लिए या किस स्वर के लिए कौन सा वॉवल लगाया जाता है वो देखेंगे। अ। अ के मात्रा के लिए ए। आ। आ की मात्रा के लिए ए। ई, छोटी की मात्रा जो इस प्रकार से लगाई जाती है उसके लिए आई। ई, बड़ी की मात्रा जो इस प्रकार से लगाई जाती है उसके लिए डबल ई। उ, छोटा उ जिसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है उसके लिए यू। बड़ा उ जिसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है उसके लिए डबल ओ लगाया जाता है। इसी प्रकार ए, जो ऊपर एक मात्रा होती है शिरो रेखा को ऊपर एक मात्रा उसके लिए ई। इसी प्रकार आई की मात्रा जो इस प्रकार लगाई जाती है उसके लिए ए आई। ओ, ओ की मात्रा के लिए ओ। औ, औ की मात्रा के लिए ए यू। अं, जहां अनुस्वार होता है उसके लिए ए एन। अह, जो अ के इधर की साइड विसर्ग चिन्ह होता है उसके लिए ए एच लगाया जाता है। इसी प्रकार री। री की मात्रा के लिए आर आई लगाया जाता है। अब हम सीखेंगे नाम बनाना कि हिंदी के किसी नाम को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, जैसे हम नाम लिख रहे हैं पवन। सर्वप्रथम हम इस नाम में स्वर व व्यंजन को अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग कैसे किया जाता है? प प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न। पवन। प के बाद अ की ध्वनि सुनाई देती है तो प व्यंजन अ स्वर। व। व के बाद अ की ध्वनि सुनाई देती है इसलिए व व्यंजन अ स्वर। इसके पश्चात न। न के पश्चात भी अ की ध्वनि सुनाई देती है लेकिन अंग्रेजी लिखते वक्त उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त उसमें ए नहीं लगाया जाता। अब हम इन व्यंजनों के लिए अल्फाबेट लगाएंगे तो प। तो प के लिए क्या अल्फाबेट आता है? पी। पी। अ। अ के लिए क्या अल्फाबेट आता है? ए। तो ए लगाया। व के लिए
व के लिए हम वी और डब्ल्यू दोनों लगा सकते हैं, तो मैं लगाती हूँ डब्ल्यू। अब अ, अ के लिए ए, तो ए। न के लिए एन, तो न के लिए एन अल्फाबेट लगाया। इस प्रकार हम किसी भी नाम को लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें आवश्यकता है कि हिंदी के किस व्यंजन के लिए इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट आता है, हमें ये सीखना होगा। तो ये नाम हुआ पवन। इस प्रकार हम एक से अधिक नाम सीख सकते हैं। धन्यवाद।